अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी कैप्चर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सुमाजीगुड़ा यशोदा हॉस्पिटल के खरीद के लिए उस वक्त कशीदगी फैल गई जब वाईएसआर तेलंगाना प्रदेश पार्टी के सरबरा वाईएस शर्मिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक वाईएसआर तेलंगाना प्रदेश के सरबरा वाईएस शर्मिला अपने हामियों के हमरा आज रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सरकारी रिहायश का प्रगति भवन के रूबरू एहतजाज मुनज्जम करने के मकसद से जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें और उनके हामियों को सुमाजीगुड़ा यशोदा हॉस्पिटल के करीब रोक लिया और उन्हें वापस चले जाने को कहा, जिसके बाद वाईएस शर्मिला जो खुद अपनी कार ड्राइव कर रही थी वापस जाने से इनकार कर दिया और कार में ही बैठकर केसीआर के खिलाफ डॉन डॉन के नारे बुलंद करने लगी। इस वाकये के साथ ही सुमाजीगुड़ा की मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया और हल्की सी कशीदगी फैल गई। वाईएस शर्मिला और उनके हामियों ने पुलिस अहलकार पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो नाइंसाफी और बदगुमानी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, फिर इन्हें क्यों रोका जा रहा है। वाईएस शर्मिला ने मजीद कहा कि टीआरएस पार्टी के हामियों ने कल उनके मार्च के दौरान जब उनकी और उनकी कार पर हमला किया और उनकी बस चलाने की कोशिश की तो किसी ने टीआरएस पार्टी के हामियों को नहीं रोका और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, और अब जब वो इंसाफ का मुतालबा करते हुए प्रगति भवन जा रहे हैं तो पुलिस उन्हें क्यों रोक रही है। पुलिस हमलावर को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही हिरासत में क्यों ले रही है। बाद अजां पुलिस ने वाईएस शर्मिला की गाड़ी समेत वाईएस शर्मिला को क्रेन की मदद से एसआर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जहां उनके हामियों ने वाईएस शर्मिला को हिरासत में लेने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नारे भी बुलंद किए। नाजरीन वाजे हो के कल वरंगल ज़िले के नरसिम्हा पेट में वाईएस शर्मिला को उनके मार्च के दौरान टीआरएस पार्टी के हामियों ने उन पर और उनकी गाड़ी पर हमला किया और उनकी बस जलाने की कोशिश की थी। आइए देखते हैं वी कैप्चर न्यूज़ की ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम और ख़ास खबर के लिए वी कैप्चर न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। Thank you.